एक बार दादा से बात कर लो। मैं समझाओ, आज शाम को बारात है। ठीक है, मैं आज ही बात करूंगी अनिर्बान से। ये मिठाई के डब्बे लेकर ऊपर कहाँ जा रहे हो, इन्हें नीचे रखना है। तू भेस बदल कर चारू पहुंची अनिर्बान से मिलने। क्या चारू के मिलने की वजह से शादी में होगी कोई गड़बड़? कलर्स टीवी शो दुर्गा और चारू के अपकमिंग एपिसोड में हम सभी देखेंगे कि दुर्गा के लिए अनिर्बान के प्यार को चारू एक्सेप्ट नहीं करती है और चारू अनिर्बान से दूर होने की कोशिश करती है। अनिर्बान चारू से प्यार करते हैं, इस बारे में अनिर्बान के सिस्टर को भी मालूम है। शादी के फंक्शन में अनिर्बान की सिस्टर मिलती है चारू से और वो बोलती है कि मुझे पता है कि दादा ने आपसे प्यार का इजहार किया है। और अनिर्बान की सिस्टर चारू से रिक्वेस्ट करती है कि वो एक बार अनिर्बान से मिल ले, अनिर्बान से बात कर ले। चारू डिसाइड करती है कि शादी से पहले अब वो एक बार अनिर्बान से मिल ले और बात कर ले। तो भेस बदल कर चारू अनिर्बान के घर पहुंची अनिर्बान से बात करने कि तभी अनिर्बान की माँ की नजर पड़ी चारू पर। अनिर्बान की माँ को देखकर चारू बहुत ज्यादा हैरान हो गई। चारू को ऐसा लगा कि शायद उसका असली रूप सबके सामने आ जाएगा। वही शादी से पहले अनिर्बान से मिलने पहुंची है चारू, वो भी भेस बदल कर। अब ये देखना इंटरेस्टिंग होने वाला है कि क्या चारू के इस डिसीजन के वजह से दुर्गा और अनिर्बान की शादी में आएगी कोई मुसीबत। आपको क्या कुछ कहना है इस पूरी अपडेट को लेकर, आप अपना ओपिनियन हमें कमेंट के जरिए जरूर बताइए। और साथ ही टेलीविजन से जुड़ी सभी लेटेस्ट अपडेट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।